एजेंसी ने अपनी गलती मानी, कहा पेपर सेट करने वाली दो टीमें थी, अब कार्रवाई का अधिकार आपका। हरियाणा में ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा CET मेंस की परीक्षा में 41 सवालों के दोहराव से कर्मचारी चयन आयोग की काफ़ी किरकिरी हुई है। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पेपर सेट करने वाली एजेंसी को कारण बताओ नोटिस देने के बाद कंपनी के अधिकारी शुक्रवार को आयोग के कार्यालय में हाजिरी भरने पहुंचे। एजेंसी के प्रबंधक निदेशक उपाध्यक्ष और पेपर डिजाइनर ने कर्मचारी चयन आयोग के पास अपना जवाब दाखिल करा दिया है। एजेंसी ने लिखित में माना है कि उससे गलती हुई है। पेपर बनाने की प्रक्रिया में एजेंसी की दो टीमें लगी हुई थी, जिस कारण दो पेपरों में सवालों का दोहरा हुआ है। एजेंसी ने कहा है कि पेपर सेट करने में किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं था, यह मानवीय गलती हुई है। किसी भी परीक्षा के लिए पेपर के चार सेट तैयार होते हैं। यह संयोग है कि ग्रुप 56 व ग्रुप 57 की परीक्षा में वह पेपर हल करने के लिए आ गए जिनसे सवालों का दोहरा हुआ। ग्रुप 56 के पेपर में ग्रुप 57 के 41 सवाल रिपीट हो गए थे, जिसके बाद बड़े स्तर पर विपक्ष ने इस मामले को उठाया था। एजेंसी ने कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष कहा कि यदि पेपर सेट करने वाली टीम दो की बजाय एक ही होती तो संभव था कि ऐसी गलती नहीं होती। एजेंसी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि अब फैसला आयोग को ही लेना है। एजेंसी के अधिकारियों ने आयोग के मानवीय भूल के आधार पर राहत देने का आग्रह किया है। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने एजेंसी के अधिकारियों से कहा कि इतना कहने भर से उनका पीछा छूटने वाला नहीं है। आप इसे भले ही मानवीय भूल कहते हों, लेकिन आयोग को फजीहत झेलनी पड़ी है।